दोस्तों, इस वीडियो में जब हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A81 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A81 के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुका है। इसका फर्स्ट लुक आपको बताने वाला हूँ, कैसे इसका डिजाइन होगा, साथ में इसकी प्राइस कितनी होगी, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी, बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुके हैं, आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और अगर चलिए नया है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन दबाओ, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हो टेकी में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना टाइम गवाए। दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A81 के बारे में। दोस्तों सैमसंग का ही थोड़ा मिड रेंज कैटेगरी फ्लैगशिप स्मार्टफोन बोलते हैं, वो स्मार्टफोन है। पिछले साल आपको याद होगा सैमसंग ऐसे A80 आया था। ये पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर से आपको याद आ गया होगा इसका डिजाइन कैसा। जी हाँ, फ्रंट में आपको बेजलेस डिजाइन मिलता था और आपको बैक साइड में कैमरा मिलता था, वही कैमरा फ्रंट कैमरा भी बन जाता और बैक कैमरा भी बन जाता, फ्लिपर कैमरा वाला डिजाइन मिलता था। ये स्मार्टफोन बहुत ट्रेंड में रहा था, हाईलाइट में रहा था इसके फ्लिप वाले कैमरा मैकेनिज्म के वजह से, क्योंकि इसका बैक कैमरा फ्रंट कैमरे का काम करता था, ये आपको याद होगा। इसमें आपको स्पेस में अच्छी खासी मिलती थी, लेकिन प्राइस थोड़ी ज्यादा थी, 40,000 रुपीज़ का करीब इसके लॉन्च किया गया था इंडिया में। लेट इट बी, तो हम पिछले साल की बात की, अभी ये साल की 2020 की बात करते हैं। इसका जो होने वाला अपग्रेड मॉडल, जो इसका सक्सेसर होने वाला है सैमसंग ऐसे A81 जो होने वाला है, उसका डिजाइन रिवील होकर आ चुका है दोस्तों हमारे पास इंटरनेट में। इसका डिजाइन जो रिवील किया गया है यहाँ पर, इसको जो कवर बनाने के, मोबाइल के जो कवर्स बनाते हैं, बैक कवर बनाने वाले जो कंपनीज होते हैं, वहां से इसका पिक्चर और इसका डिजाइन निकल के आ चुका है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो इसका डिजाइन, इस पिक्चर तीन पिक्चर्स यहाँ पर निकल गया है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब हम डिटेल में बात करते हैं इसके डिजाइन कैसे होने वाले। यहाँ पर जैसे इस पिक्चर के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा ट्रेंड होने वाले सैमसंग के स्मार्टफोन का 2020 में, सब में यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले ही दिख रहा है। यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले दिख रहा है, छोटा सा आपको पंच होल दिखता है, एकदम मिनिमल सा आपको पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। साथ में एकदम मिनिमल सा आपको बेजल्स, हल्के हल्के बेजल्स दिख रहे हैं। बैक साइड की बात, तो बैक साइड में यहाँ पर आपको स्क्वायरिश जो कैमरे का डिजाइन है सैमसंग का होने वाला है। स्मार्टफोन जितने भी ए सीरीज में आ रहे हैं, साथ ही में जो एस सीरीज में आ रहे हैं अभी वाले 2020 में, वैसे डिजाइन यहाँ पर आपको दिखता है सैमसंग ऐसे A81 में। बैक साइड में यहाँ पर आपको चार कैमराज दिख रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको बैक साइड में चार कैमराज दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमें डिजाइन मिल रहा है। लेकिन डिजाइन को देखो थोड़ा डाउट लग रहा है, क्यों मैं ऐसा बताता हूँ, कि पिछले साल जो स्मार्टफोन था उसमें आपको फ्लिपर कैमरा मिला था, क्योंकि वो इनोवेशन था सैमसंग का। इनोवेशन तो था नहीं, लेकिन थोड़ा वो इनोवेशन मान सकते हैं उसको, कि उसमें आपको फ्लिप कैमरा मिल रहा था। इसमें आपको नॉर्मली डिजाइन मिल रहा है जैसे सारे सैमसंग के स्मार्टफोन मिल रहे हैं। तो थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है कि ये A81 ही होगा क्या, इसके बारे में थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं, थोड़ा और रिपोर्ट फ्यूचर में आने वाली है। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछते हो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होने वाली है, कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस तो मैंने चलें कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इसके प्रोसेसर जो होने वाला है स्नैपड्रैगन 855 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 855 जो पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर सैमसंग यहाँ पर यूज़ कर सकती है। साथ में और एक रूमर आ रहा है कि ये साल का जो सैमसंग ये स्नैपड्रैगन का 730G जो प्रोसेसर लॉन्च हो, वो प्रोसेसर भी हो सकता है। ये दो प्रोसेसर में से कोई एक प्रोसेसर ही होगा, लेकिन मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा है कि 855 होगा, क्योंकि सैमसंग ने अपना इंडिया में स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है नोट 10 लाइट, उसमें भी आपको 855 मिलता है, तो वो प्रोसेसर यहाँ पर दे सकते, क्योंकि इसकी प्राइस भी अच्छी होने, महंगी होने वाली, एकदम सस्ता नहीं होने वाला है। ये थोड़ा रिपोर्ट मिल रही है हमें, ये दो प्रोसेसर में से कोई एक प्रोसेसर कन्फर्म होगा। तो सब बात होते हैं वेरियंट्स की, यहाँ पर आपको 8GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल मिलेगी। साथ में आपको मेमोरी कार्ड्स के लिए एक्सपैंड करने का स्टोरेज मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड से आप एक्सपैंड कर पाओगे 512GB तक। साथ में यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 में बेस रहेगा, एकदम लेटेस्ट OS मिलेगा, साथ में सैमसंग लेटेस्ट स्क्रीन मिलेगा, One UI 2 में बेस रहेगा। ये तो हमने बात की मेन स्पेसिफिकेशंस की। तो सो बात करें डिस्प्ले की, डिस्प्ले की सैमसंग का हमें पता है हमेशा सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग देने वाली है। यहाँ पर साथ में यहाँ पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा, इतना तो कन्फर्म मान के चलिए, पंच होल डिस्प्ले साथ में फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा सुपर एमोलेड के साथ। लेकिन स्क्रीन साइज कितनी होने वाली उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन फिलहाल के नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए वेट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कैमरास की, कैमरा इसका मेन मुद्दा रहता है कि ये जो ए सीरीज के 80 की सीरीज के जो स्मार्टफोन थे उसका कैमरा ही मेन हाईलाइट था दोस्तों, आपको ये पता है। और सैमसंग के स्मार्टफोन कैमरा अच्छे होते हैं, इसका रूमर ये बताया जा रहा है कि जो बैक कैमरा होने वाला है इसमें आपको जो प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का मिल सकता है दोस्तों। कोई कन्फर्मेशन नहीं 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल सकता है, ऐसा रिपोर्ट फिलहाल के निकल के आ रही है। और यहाँ पर टोटल चार कैमरास मिलने वाले, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, साथ में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलेगा, एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा और एक डेप्थ सेंसर मिलेगा। टोटल आपको चार कैमरास आपको बैक साइड में मिलने वाले, फ्यूचर में और रिपोर्ट निकल के आएगी इनके बारे में, तो आप हमारे चैनल में अपडेटेड रहना। बात करते हैं फ्रंट सेल्फीज के लिए, यहाँ पर मे बी 32 मेगापिक्सल शूटर मिलेगा फ्रंट कैमरा आपको F2.2 के एपरेचर के साथ, उसमें आप अच्छे सेल्फीज ले पाओगे मे भी। हाँ कन्फर्म नहीं है, मे भी 32 मिनट्स का शूट आपको फ्रंट में मिले। फिलहाल इतनी रिपोर्ट्स हमारे पास है इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ रूमर्स है, लेकिन सारे कन्फर्म तो नहीं हो गए, लेकिन कुछ 70% कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल और वेट करें, क्योंकि इसका पहला लीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा इसमें बैठ कर नहीं सकते कि हमें सब बता सकूँ मैं, क्योंकि पहला लीक है तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो आप समझ के चलिए। फ्यूचर में इसमें और इन्फॉर्मेशन आने वाली इसके बारे में, क्योंकि स्मार्टफोन जल्दी आपको लॉन्च होते हुए दिखने वाला है, ये मार्च के महीने में आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा, इतना मेरे को
कन्फर्मली मेरे को लग रहा है मार्च के पहले तक तो इंडिया में आ ही जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछते हैं इसकी प्राइस कितनी होगी, इसकी प्राइस होने वाले 40,000 से लेकर 50,000 रुपीज़ में वेरी करेगी। इसके बीच में इसकी प्राइस आने वाले 40 से लेकर 50,000 रुपीज़ के बीच में आएगी। इससे थोड़ा कम होना चाहिए, आई नो आपको महंगा लग रहा है, लेकिन सैमसंग हमेशा स्मार्टफोन को ज़्यादा ही चार्ज करता है, क्योंकि जो A80 आया था उसका प्राइस भी 45,000 रुपीज़ के करीब था जब लॉन्च हुआ था, तो इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 45 से लेकर 50,000 रुपीज़ के करीब होने वाला है। फिलहाल वेट करते पूरी इन्फॉर्मेशन और डेडिकेटेड में और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। दोस्तों सैमसंग A81 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो पता चले, हम सब बातें करें, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास लिख देना कमेंट सेक्शन में, हम सब बातें करें, मैं भी आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ में इस वीडियो को लाइक किया करो, अगर आप लाइक करो तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है, मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है, लाइक किया करो यार। और अगर चल मैं नया आया तो क्या करो यार, भाई को सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन दबाओ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं टेक इमरान, तो इस तरह के एक्साइटिंग वीडियो में फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।